टकली और हमारे मुझसे अभी टकली हो गए हैं तो अभी बोलो बोलो सोना से ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाइस बाल मेरे स्ट्रेट हो चुके हैं, ये देखें बताएं आप सब लोग कैसे लग रहे हैं। स्ट्रेट हो चुके हैं बाल, जो ट्यूटोरियल है वो ख़त्म हो चुका है, फाइनली मैंने कर लिया है। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊं कि मैं शूट कैसे करती हूँ। और हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, बहुत बहुत दिनों बाद, क्योंकि उस समय मुझे टाइम नहीं मिला, फिर मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। और सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, सो गाइस शेयर भी कर दीजिएगा। अरे तुम तो चुप हो जाओ। तो गाइस आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे अपना घर से लेके पार्लर तक का रूटीन, कि मैं सुबह उठ के मेरी क्या रूटीन होती है। अब तो लेकिन मैं उठ गई, मैंने चेंज भी कर लिया, तो अब मैं जाऊँगी पार्लर, वहाँ जाके मेरी क्या रूटीन होती है, पूरे दिन में क्या करती हूँ, तो वो सब मैं आपसे आज पूरा शेयर करने वाली हूँ। और फिर आज मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, सब निकालने वाली हूँ। और हमारे आज यहाँ पे बारिश हो रही है, मैं आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ, इतना ज़बरदस्त इतना हसीन मौसम हो रहा है गाइस। ये देखें बादल तो ऐसे लग रहा है जैसे कि नकली है। ये है नीचे का व्यू, बहुत ही हसीन लग रहा है, बहुत बहुत हसीन लग रहा है। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ अब मैं जा रही हूँ पार्लर, उसके बाद फिर वहाँ जाके हम आपसे शेयर करते हैं कि वहाँ जाके मैंने आज क्या क्या किया है। क्या कर रहे हो, कैसे करो ताता 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 ताता। देखें ये टकली हो चुके हैं, ये भी और हमारे मुझसे अभी टकली हो गए हैं बोलो बोलो सोना से ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह। चले गाइस अब हम लोग निकलते हैं पार्लर की तरफ, और वहाँ पहुँच के आपसे हम पूरा सब कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। और बस मेरी मम्मा भी रेडी हो रही, मैं भी जस्ट फटाफट से रेडी हो गई हूँ, वहाँ जाके थोड़ा सा खुलिया दुरुस्त करूँगी अपना, अभी तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं पार्लर, भाई नीचे वेट कर रहा है क्योंकि थोड़ी देर हो गई है, अगर हम और जल्दी नहीं पहुँचे तो वहाँ हम छोड़ के चले जाएंगे, इस तरीके से बहुत लेट हो गए आज। सो गाइस यहाँ पे मैं पार्लर आ चुकी हूँ, बस मैं स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जा रही हूँ अपने पार्लर की तरफ। सो गाइस ये है मेरा सलून अनस ब्यूटी पार्लर, जो कि है तारिक रोड पे, और मैं अंदर आ गई हूँ। और थोड़ा सा आवाज़ का इशू हो रहा था तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को मेरी जो आवाज़ है वो प्रॉपर आ सके, क्योंकि आज मैं फ्री हूँ, आज मैंने कोई अपना अपॉइंटमेंट नहीं लिया हेयर का मेकअप का, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी मुझे टाइम मिल ही नहीं रहा था कि मैं अपना कोई व्लॉग बना सकूँ, कोई मैं मेकअप का ट्यूटोरियल बना सकूँ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो इसकी वजह से ही मैंने आज का अपना दिन बिल्कुल फ्री रखा है कि कोई मुझे तंग नहीं कर सके, कोई डिस्टर्ब ना करे। तो इस वजह से ही मैं आज अपना सलून में बैठ के व्लॉग बनाने वाली हूँ, साथ में मेकअप का ट्यूटोरियल भी बनाने वाली। सो गाइस ये है मेरा सलून अनस ब्यूटी पार्लर, देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह बोलना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मुझे बताएं आपको मेरा सलून कैसा लगा, और आप लोग में से कोई मेरे सलून अगर आया है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, नहीं आया तो बिल्कुल आप लोग विज़िट करें, जो भी सर्विस आप लोग अपील करना चाहती हूँ बिल्कुल कर सकती हैं, डिस्काउंट भी चल रहा है। सो खैर अब मैं तैयारी कर रही हूँ अपने मेकअप के शूट के लिए, क्योंकि जब मेरी बात पक्की हुई थी तो मैंने अपने बाल स्ट्रेट करवाए थे, क्योंकि मेरे नेचुरली तो मेरे हेयर कर्ली हैं, वेवी हैं, तो मैं अभी स्ट्रेट करवा रही हूँ अपने बाल, उसके बाद फिर मैं तैयारी करने वाली हूँ अपने मेकअप ट्यूटोरियल की। तो ये देखें आप लोग कि यहाँ पे मेरे हेयर स्ट्रेट हो रहे हैं काफ़ी, क्योंकि मेरे हेयर लॉन्ग है तो मुझे थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम होता है। खैर ये देखें स्ट्रेट होने के बाद कितने मेरे बाल माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं, और मुझ पर काफ़ी वैसे सूट करते हैं स्ट्रेट हेयर तो खैर हर किसी पे ही सूट करता है, क्योंकि वो लुक ही आपका फेस का बिल्कुल चेंज हो जाता है। और इसके बाद जो है सबसे पहले तो मैं अपने सलून में, क्योंकि ये जो टाइम इस टाइम हो रहा है सलून में, हम लोग का लंच का टाइम होता है,
वैसे तो आधी दुनिया लंच पहले कर लेती है, लेकिन हम लोगों का टाइम ये होता है। वैसे तो हमारे बोलेंगे तो एक तरीके से खाना ही होगा। खैर, तो आज हम लोग का मेन्यू में है बिरयानी और ये है चिकन कोरमा, बड़ा ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार सा दोनों आइटम। और तो हमने कहा कि चलो हम लोग पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो भी दूसरे काम है वो निपटा लेंगे। तो हम लोग खाना खा रहे थे और फिर खाना खाने के बाद मैं फिर से अपनी जो है तैयारियों में लग गई थी कि मैं अपना किसी तरीके से जल्दी अपना मैं शूट कर लूँ। और ये देखें आप लोग के खाना कितना यम्मी लग रहा है, कितना मज़े का लग रहा है, आप लोग भी आइए ज्वाइन कीजिए। तो गाइस, ये देखें कि मैंने आप लोगों को ये छोटा सा दिखा रही हूँ लाइक के वीडियो स्टेप मेरी कंप्लीट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, बन चुकी है। तो मैं आपको इसे शॉर्ट क्लिप दिखा रही हूँ कि मैं अपने वीडियो किस तरीके से शूट करती हूँ, कहाँ बैठ के शूट करती हूँ और क्या सेटअप होता है। काफ़ी चीज़ें इस टाइम वाइंड अप हो चुकी हैं, तो मैं जस्ट आपको एक छोटा सा पार्ट दिखा रही हूँ। अगर आप फुल पार्ट देखना चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियोस कैसे बनाती हूँ ख़ास तौर पे मेकअप की, तो आप लोग मुझे DM करें, मैसेज करें, मैं फिर आपको पूरा अपना एक ब्लॉग बना के दिखाऊँगी कि मैं किस तरीके से क्या सेटअप लगा के मैं अपना मेकअप पर शूट करती हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग के ये सेम ड्रेस है, सेम मैंने अपना लुक किया है आज का जो मैंने अपनी मातक्की पे किया था। तो गाइस, ये है हमारा आज का व्लॉग, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा मेरे घर से लेके मेरे सलून तक का छोटा सा टूर, छोटा सा व्लॉग। और मैं क्या करती हूँ, मेरे रूटीन में क्या होता है, वैसे तो क्लाइंट्स वगैरह होते हैं, वो तो मैं आप लोगों को शो नहीं कर सकती क्योंकि अलाउ नहीं होता क्लाइंट्स के, वो हमें अलाउ नहीं करते कि हम ऑब्वियसली उनके फेस वगैरह शो करें। हाँ, हेयर के आप लोग तो मेरी वीडियोज़ देखते रहते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सब चीज़ें होती हैं, बट ये है कि वैसे हम लोग नहीं बना सकते। तो खैर, ये तो है हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद आप सब लोगों को पसंद आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।